पंच ब्लॉक के गाथा करती हैं। वो जब हमारे पास आई थी तो वो सिंपली एक्सरसाइज करने आई थी, उनका मन लगा और वो ब्लैक बेल्ट हो गई हमारे पास। कोरोना काल के दौरान आपने कहा सर मेरा मन करता है बस एक ब्लैक बेल्ट हो जाऊं, उसके बाद कोरोना काल आया, कोरोना आया कुछ भी आया हमको डर नहीं है, सपना एक बार ब्लैक बेल्ट होता। तो 12 काता ब्लैक बेल्ट का जो कोर्स है उसको बहुत अच्छे से करती हैं और बनारस में एक टेस्ट हुआ उसमें पास करके उन्होंने ब्लैक बेल्ट हासिल किया। तो हर एज के लोग, कोई भी एज हो, आप उसको कर सकते हैं। इसको बेस हमारा है फिटनेस, सेल्फ डिफेंस और एक्टिवनेस, तीन चीज। फिट रहे आप एक्सरसाइज के माध्यम से, सेल्फ डिफेंस अपने एनर्जी में जितना आप है कम एनर्जी लगा के अगले को हम धराशाई करेंगे, ये हमारे पास हमको पता होना चाहिए। सेल्फ डिफेंस यही नहीं कि हमको कोई मारेगा तो हम आपको बचाएंगे, ये एक पार्ट है कि सेल्फ डिफेंस जो कोई हमको मारेगा तो हम बचाएंगे, ये समझे लास्ट। फर्स्ट ये कि हम इतना फिट रहें कि हमको कोई बीमारी ना टच करें, कहीं ना कहीं गिर पड़े तो बच जाए, कोई एक्सीडेंट होने की संभावना दिखे तो हम हट जाए या वहां से निकल लें या कुछ एकाएक हम रोक लें, ऐसा होता है। ये नहीं कि हमको कोई मारेगा तो हम बचाएं अपने उसका उससे लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे, नहीं, हमें अपने आप को बचाना है, दैट्स इट, सेल्फ डिफेंस। तो एक समस्या और आती है कि हमें कोई काम मिला और हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, हमारा एनर्जी लेवल जब हमारा बढ़ेगा तो हम काम को इजी ढंग से कर लेंगे। अगर आप बीमार हो तो कोई छोटा सा छोटा काम करने मन नहीं करता, नहीं करेंगे उसको, आज नहीं कल करते हैं। तो हमें फिट हैं, एक्टिव हैं, निरोग हैं तो कोई भी काम हम करेंगे और कल जो काम सोचे आज जो सब जो काम मैं सोचता हूँ उसमें पूरा काम, चाइना जापान इन देशों में मार्शल आर्ट खूब करते हैं, सारे लोग करते हैं, उनके यहाँ स्कूलों में कराया जाता है, होटल्स के मेंबर करते हैं और लोग करते हैं, वो सभी लोग अपने एनर्जी को अपने काम में यूज करते हैं और इतना यूज करते हैं कि उनके सामान को दूसरे देश के लिए यूज करते हैं, कंपनी हो प्रोडक्ट हो कुछ भी हो इतना वो बनाते हैं।